हाय फ्रेंड, शिवम निशान परिक आसमान चैनल ब्लॉग में आप सबका वेलकम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके साथ लाई हूँ एक और रेमेडी, DIY। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। एक खाली बाउल है, हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी है हम इसमें डालेंगे। ये देखो शहद है, आपके पास ओरिजिनल हो तो आप ओरिजिनल ले लेना। ये मेरा ओरिजिनल शहद है। हम एक चम्मच शहद डालेंगे। ये हम एक चम्मच दही डालेंगे। आपके पास गाढ़ा हो तो आप गाढ़ा ले लेना, मेरे पास गाढ़ा नहीं था इसलिए। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। ये कच्चा मिल्क में कॉटन डिप करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है। क्लीन करेंगे, क्लींजर समझ लो इसको। ये बहुत फायदेमंद रेमेडी है, आपके फेस को एक टोन फेयर करेगी, एक से दो टोन फेयर करेगी और आपके कालेपन को दूर करेगी, डस्ट वगैरह सब निकालेगी। देखो क्लींजर से भी कितना फर्क पड़ गया है मेरे हैंड में। अब आप ये सोच रहे होंगे ये येलो येलो क्यों हुई है, मैंने इसमें टर्मरिक डाली थी थोड़ी सी, पर आपको बताना मैंने कैमरा ऑफ कैमरे में डाली थी, भूल गई मैं, इसलिए आप भी एक पिंच टर्मरिक डाल देना इसमें। और अब ये लगाते हैं हम, आप ब्रश की सहायता से किसी की भी सहायता से लगा सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगी, बहुत ही बेस्ट। देखो फ्रेंड्स ये हमने लगा ली है। और ये फेशियल, ये DIY बहुत ही अमेजिंग फेशियल होता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये घरेलू रेमेडी से बना हुआ होता है और ये बहुत 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 बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। आप इसे वीक में एक टाइम कर सकते हो, 15 दिन में 2 टाइम, मंथ में 4 टाइम कर सकते हो आप इसे। धीरे धीरे आपकी स्किन को ग्लो, ग्लोइंग, ग्लोसी, शाइन वगैरह सब। और शहद डाला हुआ है इसमें, तो शहद तो आपको पता है कितनी पावरफुल रेमेडी है, शहद कितनी पावरफुल चीज़ है। और ये भी आप का पावरफुल रिजल्ट देने वाला है। इसे हम ड्राई कर लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको उतार के। और ये आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड में, शेयर कर देना और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये अब हम सुखाते हैं इसको। ये अभी थोड़ी थोड़ी विंटर है, हल्की हल्की विंटर है तो ये मुश्किल से सूखेगा, इसलिए मैंने फैन ऑन कर दिया है ताकि ये जल्दी सूख जाए, जल्दी ड्राई हो जाए। क्यों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज मुझे बहुत से काम करने हैं। क्यों, आज मैंने पार्लर की छुट्टी रखी है तो काफ़ी काम हो जाते हैं छुट्टी वाले दिन, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैंने फैन ऑन कर दिया है। अगर आपके पास टाइम होता है इसे पूरा टाइम दीजिए, इसे अपने आप ड्राई होने दीजिए, उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा यूनिक रिजल्ट आएगा। आप खुद बिलीव नहीं करोगे कितना यूनिक रिजल्ट आएगा। और हम इसे ड्राई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय फ्रेंड्स, इसे 15 मिनट हो गए, ये फिर भी ड्राई नहीं हुआ क्योंकि इसमें शहद है इसलिए ड्राई नहीं हुआ। अब हम इसे क्लीन करेंगे
अगर शहद नहीं होता तो ये ड्राई हो जाता। वैसे भी ये हल्का हल्का तो ड्राई हो चुका है, देखो ये आपको शहद की वजह से लग रहा है कि ड्राई नहीं हुआ। अब मैं इसमें कच्चे मिल्क से अच्छे से कच्चा मिल्क डाल के इसे गीला कर लूंगी। हमने गीला कर लिया है, अभी हम इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे। कोई भी रेमेडी हो आप डायरेक्ट मत उतारा करो, या तो पानी से या गुलाब जल छिड़क कर मसाज कर लेने चाहिए। स्प्रे कर कर गुलाब जल से या टोनर से किसी चीज से भी मसाज करके फिर उतारना चाहिए। कोई भी रेमेडी हो डायरेक्ट धोनी नहीं चाहिए और ना ही क्लीन करनी चाहिए। आप दो 3 मिनट मसाज करके निकाला करो। मैं आपको क्लीन करके बताती हूँ। ये देखो कितना बेस्ट रिजल्ट आया है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो पास से दिखा देती हूँ, ये देखो कितनी शाइन कर रही है मेरी स्किन और कितनी ग्लोइंग, क्योंकि इसमें शहद है तो ये सॉफ्ट तो बनती बनती है, सॉफ्ट होना तो इसका। और शहद तो आपको पता है बहुत ही शहद आपको पता है बहुत ही इमेजिंग चीज है। शहद खाने में भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। और वैसे भी ये देखो अच्छे से हमने इसे 15 से 20 मिनट रख लिया था। ड्राई तो शहद की वजह से नहीं हुआ था, पर फिर भी ड्राई ना हो पर आप इसको पूरा टाइम देना। अब ये देखो पास से देख लो हाथ में कितना फर्क है। मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, जैसे धोने की जरूरत नहीं है। इसे चाहे आप धो भी सकते हो अभी जाकर। मैंने तो अच्छे से क्लीन कर लिया है, एकदम क्लीन। ये देखो कितना बेस्ट रिजल्ट, कितना अमेजिंग, कितना सॉफ्ट, कितना ग्लोसी, कितना शाइन कर रहा है मेरा हाथ। इस हाथ के मुकाबले ये हाथ देखो कितना ग्लो, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कितना ग्लो, इतना वाइट, एक टोन फेयर हो गया। ये देखो कितना अमेजिंग रिजल्ट है यार, बिलीव। आप जल्द बैठे क्या हो, जल्दी से जाके ये रेमेडी बनाओ और लगाओ अपने फेस को, 1 टोन क्लीन करो, फेयर करो। और अगर ये वीडियो मेरे पसंद आए, मैं इसमें छिड़क देती हूँ थोड़ा सा जैसे कि गुलाब जल। हाँ क्या खुशबू है। आप है ना गुलाब जल को ऐसे छोड़ देना 5-7 मिनट, फिर आप जाके क्लीन कर लेना। मैं ऐसे छोड़ दूंगी 5-7 मिनट फिर क्लीन करूंगी, क्योंकि मैं कोई भी रेमेडी तुरंत क्लीन नहीं करती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ। क्लीन तो करती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ। अब ये देखो गुलाब जल जब तक इसमें स्किन में पैरिट हो जाता है, अच्छे से मिल स्किन में चला जाता है। मैं इसको ऐसे ऐसे मसाज कर लूंगी, देखो ना कितना ग्लो है, कितना ग्लोसी, कितना सॉफ्ट, मुझे खुद को फील नहीं हो रहा मेरे दोनों हाथ के मुकाबले। देखो आप देखो पास से देखो दूर से देखो कैसे देखो ऐसे देखो, देखो कितना क्लीन हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और जो भी मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को नई फैमिली देख रही है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी तुरंत जो भी मैं ब्लॉग डालूँ वो आपको आपके पास शेयर हो जाए तुरंत। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये छोटा सा ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे साथ ऐसे ही चलते रहो। बाय, गुड नाइट।